सभी को जय हिंद। जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं कमांडो फिजिकल एकेडमी गांधी मैदान पटना का यूट्यूब चैनल। और सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत हमारे इस चैनल में। और जैसे कि आपको पता है कि अभी हमारा बैच बिहार पुलिस 1391 के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसी बीच हमारे एकेडमी में अभिषेक जी आए हैं, हमारे ही एकेडमी से ये जॉब लिए हैं। और कैसा इनका मतलब क्या वर्कआउट करते थे, किस तरह से यहाँ तक पहुँचे, ये मुकाम कैसे हासिल किए, उसके बारे में पूरी डिटेल से बात करेंगे। और ये आपको एक वीडियो मोटिवेशन के तौर पर है, तो बने रहिए वीडियो में और देखिए आखिर यहाँ से हर बार और हमेशा क्यों रिजल्ट होता है। इस एकेडमी से 100% गारंटी के साथ बोलते हैं हमेशा रिजल्ट होता है। वीडियो को जाकर देखिए, पिछले वीडियो या बिटवीन बीच में वीडियो जाके देखिए, हमेशा कभी मतलब जो भी वैकेंसी आता है, SCGD हो, CPO हो, बिहार पुलिस हो, चाहे फायरमैन हो, कोई भी वैकेंसी हो, 100% गारंटी के साथ यहाँ से रिजल्ट होता है। क्योंकि यहाँ पे सही ढंग से मेहनत करवाया जाता है, सही वर्कआउट करवाया जाता है, हर दिन का वर्कआउट का लेवल अलग अलग रहता है, अलग ढंग से वर्कआउट करवाया जाता है और साथ में रनिंग करते हैं। तो चलिए इनसे बात करेंगे, इनसे परिचय करते हैं कि यहाँ तक का सफर इनका कैसा रहा, किस तरह से यहाँ तक अपने सपना को पूरा करने में कितना जान जोखिम में लगा है। तो चलिए बात करते हैं नजदीक। सबसे पहले आपका क्या नाम है? अभिषेक कुमार। किस चीज़ में अभी आप पोस्टिंग है? CRPF सब इंस्पेक्टर, यानी CPO से करके गए। चलिए एक बार अभिषेक के लिए जोरदार ताले। एकेडमी आप ज्वाइन किए, क्या सोचकर ज्वाइन किए और कैसा सफर रहा आपको, एकेडमी में कैसा प्रैक्टिस करवाया जाता है? पहले एकेडमी के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं था, मेरे दोस्त लोग यहाँ से क्वालिफाई किए हुए थे, तो उनसे पता चला कमांडो फिजिकल एकेडमी के बारे में। यहाँ पर सबसे अच्छा है कि जो ट्रेनर है साथ में दौड़ते हैं, लेकर एक आगे और एक पीछे भी रहते हैं, ताकि जो छूट जाए उसको लेकर चल सके। और ट्रेनर एक मोटिवेट कर सकता है, बाकी दौड़ना तो खुद से ही है। तो इनको जो भेजे थे हमारे ग्रुप डी में क्वालिफाई थे हमारे पांडे जी, तो एक बार इनके लिए भी जोरदार ताले। तो चलिए देखिए, एक बात ये है कि यहाँ से जो भी करके जाते हैं, चाहे उनका मेरिट लगे या ना लगे, लेकिन यहाँ से बिहार पुलिस में तो मेरिट लगना ही है, लेकिन जिनका जैसे CPO हो गया, बिहार दरोगा हो गया, ग्रुप डी हो गया, उसमें सिर्फ फिजिकल को क्वालिफाई करना रहता है, उसके बाद आपका मेरिट लगेगा। तो चलिए पांडे जी से भी बात करेंगे कि आखिर यहाँ पे इनको क्यों भेजे और यहाँ पे प्रैक्टिस कैसा होता है और किस ढंग से वर्कआउट करवाया जाता है। चलिए आप भी कुछ मोटिवेशन के तौर पे बोलिए। नमस्कार, मैं जितेश पांडे। बात कुछ ऐसा है कि हम जो है रेलवे ग्रुप डी के लिए दौड़ के लिए आए हुए थे, हम और बहुत सारे मेरे फ्रेंड आए हुए थे यहाँ पे, जो है सबसे पहले ही मंटू सर स्टार्ट किए थे, जो 52 बैच का लड़का था उसमें से 50 लड़का जो है यहाँ से निकला हुआ था, 50 लड़का का दौड़ निकला हुआ था, 2 लड़का छट गया, अपनी गलती से छट गया। फिर देखे हम मंटू सर का जलवा कि यहाँ सब रिजल्ट पर रिजल्ट हो रहा है, फिर अपने दोस्त को बताया। दोस्त जो है मेरा 3 बार SCGD में छटा हुआ दौड़, कहीं और दौड़ता था, तो फिर हम बताए कमांडो फिजिकल एकेडमी के बारे में कि भाई मंटू सर हैं, उनका दबदबा है, आइए और इनके साथ मिलकर दौड़िए, हो जाएगा। ठीक, इनके साथ दौड़े और इनका दौड़ कम्प्लीट हो गया। वो जो है ना मतलब कि 3 बार छटा, वो कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास के जर्मती होत सुजान, रसरी आवत जाते फिर पे पड़त निशान। जोरदार ताले। और मंटू सर के बारे में कहना है कि ये जो है ना भाई की तरह ट्वीट करते हैं, आराम से एकदम हमेशा साथ रहते हैं, फ़ोन से लेके कॉल पे एकदम कि किस तरह क्या करना है, क्या डाइट फॉलो करना है, किस तरह दौड़ना है। मंटू सर जान आन बान शान है। और मंटू सर के लिए जो है हम चाहते हैं कि एक लाइन गाना जो है तो हरा में बसला परनवा हो नवा हमार जानला, अरे लाखों युवा के बाड़ा दिल के धर कनवा हो, जहनवा हमार जानला तोहरा में बसला परनवा हो, जहनवा हमार जानला। बहुत ही जो है यहाँ पे मेरा दोस्त भी ही बोलता था कि यार क्या दौड़ रहा है, एकेडमी वगैरह में नहीं दौड़ो, बहुत ताना सहकर जो है ना, बहुत ही शौक और ताना सहकर मैंने ये शौक पाला है, कोई अगर पूछे तो बता देना ये पगला मंटू सर का दीवाना। जोरदार ताली जितेश के लिए। तो ऐसे ही हमेशा इस एकेडमी से रिजल्ट होता है, ऐसा नहीं कि एक ही बैच से, CPO बैच से या SCGD से रिजल्ट होता है, हर चीज़ में बिहार पुलिस बैच हो या फायरमैन बैच हो या अग्निवीर आर्मी हो या क्लर्क हो,
या किसी भी चीज़, जैसे फिजिकल रिलेटेड किसी भी चीज़ हो, 100% गारंटी के साथ सही ढंग से मेहनत करवाया जाता है, सही से वर्कआउट करवाया जाता है। तो आप भी जुड़िए, आपके फायदे के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि अभी बिहार पुलिस का जस्ट रिजल्ट आने वाला है, हो सके 2 से 3, 4, 5 दिन में डिक्लेयर कर दें, उसके बाद आप सीधे सर्च कीजिएगा कि कहाँ जाए। तो एक चीज़ याद रखिएगा, सही जगह चुनिए, सही एकेडमी चुनिए, तभी आपका 100% फिजिकल में नंबर उठेगा, क्योंकि बिहार पुलिस में आपका फिजिकल में मेरिट बनाने के लिए 100% आपको नंबर सेफ जोन में रहना पड़ेगा। ठीक है, तो अभिषेक से कुछ और बातें पूछेंगे कि इनका यहाँ पे सफ़र कैसा रहा, किस तरह से यहाँ आए और कैसे जुड़े। कुछ और मोटिवेशन के तौर पर बताइएगा जो लड़के वीडियो देख के मोटिवेट। सर का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी चलता है, यहाँ से ऑनलाइन एडमिशन ले सकते हैं, प्लस यहाँ पे है, मेरे को लगता है ऑनलाइन से ज़्यादा ऑफलाइन ज़्यादा सही लगता है, क्योंकि यहाँ पे सर साथ में लेकर दौड़ते हैं, डाइट क्या फॉलो करना है, कैसे दौड़ना है, सीन पेन कैसे रिमूव होगा, मेन तो रनिंग में सीन पेन ही ज़्यादा दिक्कत करते हैं, उसको कैसे टैकल करना है, प्लस सी पी यू में मेरा हाई है, लॉन्ग जम्प हाई जम्प ये सब, तो वो सब कैसे क्लियर करना है, सर को बहुत अच्छे से नॉलेज सही ढंग से करवाया गया, सही ढंग से सब। तो अभी आपको बता दें कि सीपीओ का मेरे पास लगभग 12 से 13 लड़के थे, जिसमें से 8 लड़के का फिजिकल हुआ है और 8 में से 8 फिजिकल क्वालिफाई है। अगर विश्वास नहीं है तो जाइए कम्युनिटी पोस्ट में, आपको सबका दिख जाएगा। SSGD में अभी तक 42 लड़के फिजिकल प्लस मेडिकल फिट हो गए हैं, और अभी जो भी लड़के बचे हुए हैं गारंटी देते हैं कि वो भी फिजिकल प्लस मेडिकल फिट होंगे। तो अभी ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, स्क्रीन के ऊपर नंबर है, वहां से आप कॉल करके बात कर सकते हैं, और बाकी बात हमेशा जो भी वर्दी में आएंगे उनका स्वागत किया जाएगा, और ऐसे ही हमेशा वीडियो देते रहेंगे रिजल्ट के ऊपर। यहां से सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट होता है, ये हम नहीं हमारा लड़का ही बोलेंगे और हमेशा बोलते रहते हैं। ठीक है जितेश, देखिए यहां पे जो है ना एक से एक रिजल्ट होता है, हम सबसे पुराने स्टूडेंट हैं यहां पे, जो है लगभग जो है शुरुआत ही किए थे सर, मेरा भी ग्रुप डी जो है फिजिकल हम क्वालिफाई किए थे लेकिन मेरिट नहीं बन पाया था मेरा, और हम ही जो है ना मतलब कि इनको बहुत सारे दोस्त को भेजे यहाँ पे, क्योंकि मंटू भैया आन बान सान है एकदम, जो है ना इतना अच्छा से कराते हैं ना, एक बड़े भैया के रूप में इतना अच्छा से रनिंग कराते हैं ना, कि अगर एक महीना मंटू भैया को झेल लिए तो आपका दौड़ आराम से हो जाएगी। तो चलिए आप फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को अच्छा से देखिए, और इस पर रील्स भी जाएगा तो उसको भी आप देखिए और सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आइए इधर।